अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बावर्ची किचन। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मछली, फ्राई मछली। मैंने ली है 1 किलोग्राम कारपेंटर फिश, और इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने अभी जो मसाला बनाया है इसकी पेस्ट बनाई है। इसमें मैंने डाला है 1 चाय की चम्मच नमक की, 1 चाय की चम्मच मैंने डाली है इसमें सूख मिर्च पाउडर, और तकरीबन 1/4 चम्मच जो है हल्दी की, 1 चाय की चम्मच मैंने डाली है गार्लिक पाउडर की, और उसके साथ तकरीबन 2 चम्मच जो है ना मिक्स हर्ब्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, और थोड़ा सा इसमें डाला है विनेगर, और सिरके के साथ जो है मैंने इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1/2 कप जो है ऑयल का डाला मैंने ऐड करने के लिए, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है। तो अभी इस पेस्ट को मैं इस मछली को इस पेस्ट से अभी मैरिनेट करूँगा, तो फिर इसके बाद मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। चम्मच यूज करें या अगर सही तरह मिक्स करनी है तो हाथ से भी आप कर सकते हैं। आराम ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना क्योंकि मछली टूटने का भी इसमें होता है। तो अभी इसको मैंने जो है मैरिनेट करने के बाद तकरीबन 1/2 घंटे के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है, उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। मिलते हैं फिर 1/2 घंटे के बाद। वेलकम बैक, अभी मैं मछली को फ्राई करने जा रहा हूँ। तो अब इसमें जो है हम ऑयल जो है ना ऑयल को तकरीबन रेडी हो चुका है इसके टेम्परेचर जो है, अभी इसमें हम मछली को डालेंगे। अभी इसको जो मछली में इसको ऑयल में डाल दिया, तो डाल के छोड़ देंगे इसके इसके टेम्परेचर में पकेगी। और जो देख रहे हैं आप अभी इसके जो बुलबुले पानी के इसमें से पानी निकल रहा है मछली का, ये जब ख़त्म होंगे ना ऐसा सा जो, तो मछली जो ना इसकी सही तरह फ्राई होना शुरू हो जाएगी। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा इसमें फ्राई होने में। अभी देखें इसको मछली ब्राउन होना शुरू हुई है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें पानी ऑयल में अभी तक है इसमें। तो इसमें जो है ना कि अगर आप मछली को वैसे अगर जल्द आपने बनानी हो, ज़्यादा मकदार में फ्राई करनी हो, तो आप इसमें 2 पैन ले सकते हैं। 2 पैन में एक में आपने अभी जैसे मछली डाली है इसमें, इसमें पानी ऑयल में काफ़ी पानी छोड़ रहा है, तकरीबन मिक्स हो रहा है इसमें ऑयल में, तो इस वजह से मछली ज़्यादा टाइम लेती है जो इसमें बनाने फ्राई करने का। सर जो है ना नरमी है मछली में, तो जब तक ये पानी जो है ना ज़्यादा और थोड़ा खुश्क होगा इसमें से मछली ड्राई होगी, तो फिर इसके खाने का मज़ा आएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट और तकरीबन लगेंगे, मछली अभी इसकी जो है डन हो चुकी है। तो अभी इसको बंद करते हैं अभी। अच्छा
अभी इसके नीचे टिश्यू पेपर इसलिए रखे ताकि ऑयल इसका जो है जज्ब कर ले इसमें मछली। तो अभी चलते हैं किचन में। मछली अभी तैयार हो चुकी है इसलिए अभी मैं इसको डिशअप करने जा रहा हूँ। चटनी बनाई है इसके साथ यूज़ करने के लिए। Thank you.